इस पूरे विश्व में हम कहीं रहें, किसी जाति, धर्म या वर्ण के नाम से क्या फर्क पड़ता है, सिवाय इसके कि हम कितने मनुष्य बने रह पाए। उपन्यास कौन देश को वासी, बेडू की डायरी की ये आखिरी पंक्तियां हैं। और साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सूर्यवाला जी, जो इस उपन्यास की रचनाकार हैं। एक बड़ी उपन्यासकार और कथाकार के रूप में पूरे भारतीय हिंदी जगत को, हिंदी भाषी विश्व जगत को उन्होंने प्रभावित किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है आपके साथ होने की। नमस्कार। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, डॉक्टर सूर्यवाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को वाराणसी में हुआ। आपने वहीं से पढ़ाई लिखाई की और हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और शोध कार्य किया, पीएचडी की डिग्री पाई और लगभग 150 से अधिक कहानियां, बहुतेरे उपन्यास, व्यंग, हास्य और साहित्य की विविध विधाओं में काफी कुछ लेखन किया। इसके अलावा रेडियो, टेलीविजन के कई धारावाहिक, कई कहानियां, ढेर सारी प्रस्तुतियां आपकी रचनाओं पर आई हैं। आपकी रचनाओं के अनुवाद पूरी दुनिया की बहुतेरी भाषाओं में, हिंदी और भारतीय भाषाओं से अलग पूरी दुनिया में हो चुके हैं अनुवाद। उपन्यास मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत, कौन देश को वासु, बेडू की डायरी का मैंने अभी जिक्र किया, बहुत सारे कहानी संग्रह जिसमें एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, खाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, सांझवाती, कात्यायनी संवाद, 21 कहानियां, लंबी कहानियां, सिस्टर प्लीज आप नहीं जाना, मानुष गंग, बेडू का नया घर, सूर्यवाला की प्रेम कहानियां, श्रेष्ठ कहानियां और समग्र कहानियां। इसके अलावा व्यंग संकलनों की बात करें तो अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में भगवान ने कहा था, झगड़ा निपटारक दफ्तर, दूरदर्शन पर जो धारावाहिक आए हैं उनमें पलाश के फूल, न किन्नी न, सौदागर दुआओं के, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, सबको पता है, रेस तथा निर्वासित, सजा याफ्ता कहानी पर भी एक टेलीफिल्म बन चुकी है। आपको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक साहित्यिक सम्मान भारत भारती मिला है। इसके अलावा प्रियदर्शनी, घनश्याम दास सराफ, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, हिंदी के जितने भी साहित्य सेवी लोग हैं या हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले जितने भी पाठक हैं, उनके लिए डॉक्टर सूर्यवाला का नाम नया नहीं। इसलिए इस परिचय को विस्तार न देते हुए मैं शुरुआत करूंगा बनारस। आपकी संस्मरणों में, आपकी याद में बनारस की और आपके विश्वविद्यालय की कौन सी छवियां हैं जिनको आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहिए? बहुत सी छवियां हैं जयप्रकाश जी, लेकिन आप विश्वविद्यालय या विद्यालय की छवियों से पहले, कि वो छवियां बहुत देर में हुई, आप नेपथ्य में जाकर मेरे और बचपन में जाइए, बनारस से भी थोड़ा पहले, तब बनारस के प्रति मेरी धारणा और बदलता हुआ बनारस, और पहले मैं जिस बनारस में रहती थी और अब जो बनारस मेरे अंदर रहता है, वो आपके सामने ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जरा सा थोड़े में और बचपन में, क्योंकि बनारस में तो हम थोड़े बाद में आए, थोड़े से मैं बड़ी हो गई तब मैं बनारस में आई, मैं समझ गई। ये थोड़ा सा भ्रम इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी पुस्तकों में हर जगह मेरा जन्म स्थान वाराणसी लिखा गया है, और लेकिन हुआ ये था कि जब नई नई मैं लिखने लगी थी तो लोग अपना मांगते थे परिचय, तो बड़ा हुआ कि अरे मेरा परिचय मांगा जा रहा है, तो बचपन पूरा वाराणसी में बीता तो वाराणसी लिख दो, लेकिन एक्चुअली बचपन मिर्जापुर में मेरा जन्म स्थान है, और मिर्जापुर में भी मैं सिर्फ 20 दिन रही, सिर्फ 20 दिन।
उसी समय मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, वो शिक्षा विभाग में, तो जन्म स्थान में भी नहीं रही, और उसके बाद लगातार उनके स्थानांतरण होते रहे और मैं एक के बाद एक शहर, तो उन शहरों की इतनी स्मृतियां हैं, बहुत धुंधली सी, लेकिन जिन स्मृतियों का पाथे मैं आज भी लेकर चल रही हूँ, तो वो उरई, जालौन, प्रतापगढ़, बलिया, हरदोई, जौनपुर, जौनपुर भी समझिए मेरा बिल्कुल सगा, वाराणसी का सगा शहर है अपना शहर जौनपुर, फिर वाराणसी में पूरा समय मेरा बीता कक्षा 6 से। लेकिन उसके पहले ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि आपने दूसरों के भी साक्षात्कार आपने एक तो मुझे भेजे, थोड़ा सा मेरा बचपन अलग रहा है अपनी पीढ़ी के लोगों से, इस बारे में कि बहुत दार दुलार, चार चार बेटियां, लेकिन बस बच्चियां जैसे बेटियां नहीं है, कौन है, खूब प्रशंसा की जा रही है, हर बात पे प्रशंसा हो रही है, पिता माँ से प्रशंसा कर रहे हैं, माँ पिता से प्रशंसा कर रही है, ये सब हो रहा है। और पहली धुंधली स्मृति मेरे पास स्वतंत्रता दिवस की, जब मैं 3.5 वर्ष की थी, और उसके जरा पहले गांधी जी के नाम की थी, क्योंकि अभी तक लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी सब इतना गांधी, गांधीगिरी वाली बात, तो शायद कहीं बात थी, पहली स्मृति धुंधली स्मृति में गांधी रहे इतने ज्यादा, और लोग जिस तरह बातें, नौकर चाकर भी घर के बात कर रहे हैं हर कोई, और गांधी जी आ रहे हैं, स्टेशन पर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ स्टेशन पर आ रहे हैं गांधी जी, तो सब देखने जा रहे हैं जुलूस की तरह, ऐसा मैंने आज तक किसी व्यक्ति के साथ, किसी ईश्वर और देवता के साथ भी नहीं देखा, जो जुनून, जो भावना, जो आवेग मैंने गांधी के लिए देखा था। तो एक 3.5 वर्ष की बच्ची के अंदर वो एक धरोहर की तरह समा गया, और देख तो नहीं पाई मैं गांधी को, लेकिन गांधी जी को। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, वो भी उतनी धुंधली 6 महीने बाद, ऊपर से हेलीकॉप्टर से पर्चियां गिराई जा रही हैं, आज हम स्वतंत्र हुए, आज हम स्वतंत्र हुए, और मेरे पिता की शायरी, उठो हिंद वालों हुआ है सवेरा, तो ये सब था, बहुत लार दुलार, और उसके बाद ये बहुत ही खुशहाल बचपन था। और उसके बाद यवनिका गिर जाती है और एक बहुत उदास बचपन शुरू होता है। ये उदास बचपन बनारस वाराणसी, मतलब शुरू से नहीं कहूंगी, हम ठीक भी रहे, पिता थे वाराणसी में, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद नहीं रहे, तो ये जो अब मैं बनारस पर आती हूँ आपको, कि मैं इतने शहरों से होती हुई बनारस में आई थी। एक अच्छी बात आपसे बातचीत में हुई कि जी, आपके बचपन के बारे में जो भी सामग्री अभी तक उपलब्ध है, जो कि आपने आत्मकथा आपकी उपलब्ध नहीं है या लिखी नहीं या मेरी जानकारी में नहीं है, आपके बारे में भी जानकारी जितने भी स्रोतों से उपलब्ध है सब में वाराणसी प्रमुख है, और आपका बचपन एक तरह से गायब है, क्योंकि आप इतनी वरिष्ठ हैं कि जो जिन लोगों ने साहित्य पे काम किया है या जिन लोगों ने शोध किया है या जो पत्रकार और समीक्षक हैं, उन्होंने उस बचपन को तलाशा नहीं। दूसरी बात, गांधी जी के बारे में बहुत सारी किताबें हाल के दिनों में आई हैं, और मैंने भी बहुत ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिनमें ये पढ़ा था कि गांधी जी के पास ये अवसर था कि वो जब चाहते अपने को देवता घोषित कर देते और उनको मान लिया जाता जी। लोग उनको देखने के लिए इस तरह से भागते थे, जब वो ट्रेन यात्राएं करते थे तो लाठी लेके सोचते थे कि उनके पैर पे टच हो जाए और हमें उनका आशीर्वाद मिल जाए। इस तरह से गांधी जी कई बार चोटिल भी हो जाते थे, उनके पैरों पे चोट लगती थी। तो आपने जब अभी बताया कि आपने वैसे दृश्य देखे हैं, देश की आजादी के दृश्य देखे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता है वो उस एक ऊंचे दौर को, एक प्रत्यक्षदर्शी को ये मुंह से सुन पाएंगे और उनको ये लगेगा कि ये केवल किताबी बातें नहीं है, वास्तव में ऐसा घटता रहा। अब आप बिल्कुल निश्चित रूप से बनारस पहुंच चुकी हैं, तो हम बनारस की बातें जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बताऊंगी आपको। तो बनारस में चूंकि मैं इतने शहरों से घूमती हुई बनारस आई थी, और बनारस में पहली बार मेरा
पहुंचने के एक वर्ष बाद ही मुझे मेरा मेरी पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन करा दिया गया विद्यालय में। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, इसके पहले मैं किसी भी स्कूल में पढ़ी नहीं थी। सीधे मेरा जो एडमिशन कराया गया वो छठी क्लास में कराया गया। तो उस समय के हिसाब से लीजिए तो अभी नर्सरी मॉन्टेसरी नहीं, पहली से लेके पांचवी तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और छठी में मेरा एडमिशन कराया गया। तो बल्कि मेरी हेडमिस्ट्रेस ने पूछा मेरी बड़ी बहन से कि किसने पढ़ाया इसको, इतनी छोटी बच्ची को मैं छठी में। तो मेरी बहन ने कह दिया कि जी फादर ने पढ़ाया है। अच्छा, पिताजी ने पढ़ाया? पिताजी मेरे जिला विद्यालय निरीक्षक थे। तो मैंने घर में ही बिखरी तमाम किताबें होती थी जो स्कूल में कॉलेजों में विद्यालय में अप्रूवल के लिए आती थी, वो पढ़ के करके मैंने पढ़ पढ़ के मेरे मुझे खूब आ गया था। और पढ़ाई मुझे कभी मुश्किल नहीं लगी, बस गणित मुश्किल लगी। तो इस विद्यालय में गई, गाना शुरू किया मैंने आर्य महिला विद्यालय, और वो बनारस मेरे लिए पहली बार बहुत ज्यादा वो लगा, देशी ज्यादा ही देशी किस्म का शहर लगा। और मैं चूंकि बाकी जगह से आई थी तो उसमें खड़ी बोली बोलने वाले, पश्चिम से आई थी खड़ी बोली बोलने वाले, चेस्टर पहनने वाले, हाई हील ऊंची एड़ी सुनहरी ऐनक का चश्मा लगाने वाले, और यहाँ बनारस में रोशन चौकी बज रही है, गंगा पुजैया जा रही है, और अगल बगल के घरों में गौनहारी ने गाना गा रही हैं, और कजली हो रही है रात भर, और वो क्या हनुमान जी का मंदिर का श्रृंगार हो रहा है। चलो, हनुमान जी के मंदिर के श्रृंगार में उस समय सिद्धेश्वरी बाई की बहन, वो मैं भी नाम भूल रही हूँ, जो वो नृत्य के लिए बुलाई जाती थी, समझिए चौराहे पर जो वो तख्तियां लग करके मंच बनाया जाता था, तो वो बनारस मेरे उसमें था। और फिर इस बनारस में पूरा बचपन बीता, कलम हाथ में थामी, और हर तरह का भारत माता मंदिर बनारस का, संकट मोचन बनारस ले जाए जा रहे हैं, और कचौड़ी गली। तो धीरे 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 देखा कि बनारस एक सिर्फ शहर नहीं है, एक शहर से बहुत ज्यादा एक पूरी भरी पूरी संस्कृति है, एक संपूर्ण भारत दर्शन है बनारस। क्योंकि बनारस में रह करके मैं आपसे बताऊं, जो मेरी अध्यापिकाएं थी वो सिर्फ हिंदी स्पीकिंग नहीं थी, हिंदी भाषी नहीं थी, वो मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, महाराष्ट्रियन तो थी ही, दक्षिण भारतीय, इतनी बंगाली पंजाबी तो थी ही। तो इतनी तरह की अध्यापिकाएं जहां पढ़ा रही, मुझे अभी भी जयप्रकाश जी कभी नहीं लगता कि कोई भाषा पराई भाषा है या अपनी भाषा नहीं है। ये क्या भारत दर्शन मैंने, ये भारत दर्शन मैंने बात कही आपने वाराणसी में किया। हम रविंद्र तिरोधान दिवस भी मना रहे हैं, रविंद्र जयंती पर अल्पना बना रहे हैं, और बहुत से बंगाली गाने मुझे आते हैं जो कि बंगाली रविंद्र संगीत मैंने अपनी कहानियों में भी दिया है। तो लोग पूछते थे कि मैडम आप बंगाली भी जानती हैं, आप ये भी जानती हैं? कुछ नहीं, ये सब बनारस का, ये सब बनारस का प्रसाद है। और तुलसी जयंती भी मना रहे हैं। तो इस वातावरण में बड़ी हुई मैं, इसलिए मुझे परायापन और इस तरह की बातें कभी समझ में नहीं आती। आपने कभी बनारस में लिखने की क्यों नहीं सोची? बनारस में मैंने लिखा है, और आप पहले व्यक्ति नहीं है जो कह रहे हैं। मुझसे कितनों ने कहा है कि आपको अपने नगर का ऋण चुकाना है, आपको वाराणसी पर लिखना ही है। तो उसको मैंने सोचा कई बार, लेकिन एक बार और मैं वाराणसी गई हूँ तो कई बार वाराणसी के या ऐसी भी समाचार पत्रों ने मुझसे कहा कि एक मेहमान की दृष्टि से बनारस, इस पर मुझे लिख कर दीजिए, आप आई हैं यहाँ। तो मैंने कहा बनारस को मैं मेहमान की दृष्टि से कैसे लिख सकती हूँ। तो इस तरह मैंने बनारस पर अपनी गली पर C7/218 चेतगंज बनारस चौर छटवा की गली पर, और वाराणसी पर मैंने लिखे हैं, लेकिन उपन्यास नहीं लिखा है। और एक बार किसी ने कहानी मांगी
मेरे पीएचडी के शोध के गुरु डॉक्टर बच्चन सिंह के लड़के सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कि वो कहानी दीजिए जिसमें बनारस हो। तो मैंने उनको लिखा कि वो कौन सी कहानी मेरी ऐसी है जिसमें कि बनारस नहीं है, वो कौन सी कहानी है जिसमें वाराणसी नहीं है, मेरी गली नहीं है, मेरी सड़क नहीं है। दरअसल मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ते हुए हमेशा ये लगता है कि शब्द जैसे झर रहे हैं, संवेदनाओं का जो प्रवाह है आपका, शब्दों की जो गठन है, गढ़न है, उनमें अनायासी आदमी बहता हुआ चला जाता है। मैं जो अभी मेरे संधिपत्र और कौन देश को वासी वेणु की डायरी की बात करूंगा, दोनों उपन्यासों का कथानक इतना मार्मिक और इतना संवेदनशील है, इतना मानवीय है, इतनी करुणा भरी है उसमें, और इतना प्रेम, कैसे इसका गढ़न आपने पढ़ते हुए लगता है जैसे कौन देश को वासी में ये आभास होता है कि वेणु आपका अपना वेणु। मैंने देखा है कि आपकी कहानी में भी वेणु है, आपके उपन्यास में भी वेणु है जी। ये इतना आपने अंतरंगता कैसे महसूस की अपने पात्रों से? जयप्रकाश जी, अंतरंग हुए बिना तो कलम उठती ही नहीं। जब वो पाठ, वो कहानियां, वो उपन्यास आपके अंदर घुल घुल के जिद मचा के बैठ के यहाँ वहां धरना देकर बैठ जाते हैं और आपके पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं रह जाता कि निकालो। मुझसे लोगों ने इस उपन्यास के लिए कहा है कि आपने मैडम कितनी ज्यादा वो उठाई है, जो क्या कहते हैं, स्ट्रेस इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन प्रमोद त्रिवेदी जी हैं बहुत अच्छे उपन्यासकार कवि उज्जैन के, उन्होंने लिखा इस उपन्यास को पढ़ने के बाद 16 पेज की प्रतिक्रिया, और लिखा कि मैं सूर्यबाला जी अब कुछ दिन आप पूरी तरह आराम करिए क्योंकि आप बहुत मर्मांतक पीड़ा आपने झेली है उससे गुजर के आपने ये उपन्यास लिखा है। तो ये होता है, जितना भी लिखा कम लिखा, लेकिन तभी लिखा जब वेणु रहते चले गए। बहुत बहुत लोग सोचते, बहुत बार लगता है कि ये आपका अपना आपका अनुभूत किया हुआ अनुभव है। बहुत बार वेणु की डायरी को पढ़ते हुए लगता है जैसे आप अपने बच्चे के विछोह में या उसकी दृष्टि से देखकर लिख रही हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कहानी तो गढ़ी है, कहानी तो आवरण है, कहानी जो पूरी हमारी कहानी मैंने बना, वो तो कहानी तो बाद में चढ़ी ना, संवेदना और अनुभूतियां जो थी, जो मैंने अपने बेटे के घर के माध्यम से, जो मैं वहीं से कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, वहाँ यात्री निदात गई, या फिर कि मैंने अपने बेटे के घर के ही माध्यम से कई बेटों को देखा। बहुत दिन तक तो मेरा ये था कि कोई, मैंने उसमें लिखा भी है उपन्यास में, कि कोई हवाई जहाज, कोई वायुवाहन उड़ता देखती थी तो कहती थी कि कुछ और वेणु वायुवाहनों में लद कर जा रहे हैं विदेश। तो मैं शहरों के नाम नहीं देती, लेकिन कोई एक वेणु नहीं है। बहुत दिनों से मैं लिख रही हूँ छुटपुट इस तरह की विदेशों से जुड़ी कहानियां। एक कहानी पढ़ करके तो पुष्पा जी और भारती जी रोने लगे थे और मुझे फोन किया कि बहुत रुलाया तुमने और मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कहानी ने आपको रुलाया। लेखन की शुरुआत कैसे हुई? आपने कब सोचा कि मुझे लिखना चाहिए? और जो पहली रचना, जो हमारी जानकारी में यह है कि 1972 में सारिका में पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, लिखने का दिमाग में आपके आया कैसे? आप तो पढ़ाई कर रही थी, हिंदी साहित्य पढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद अध्यापन में चली गई आर्य महिला में, तो आखिर बीच में ये दिमाग में ये लेखन का घुसा कैसे दिमाग में? नहीं, लेखन किसी को देख के नहीं, मेरे पिता, मैंने कहा ना शौकिया लिखा करते थे, मेरी माँ पिता आपस में बातें किया करते थे,
एक दूसरे को बताया करते थे और तमाम अंताक्षरियों में दोहा चौपाई कवित छंद आ रहे हैं। उसी में मैंने, मेरे लिखने से रिश्ता मेरा बहुत पुराना है। वो जो पहली कहानी सारिका वाली है 72 की, जी जी, वो तो मैं उसको कहती हूँ पहली कहानी इसलिए उसके पहले का सारा लिखा मैं अपना खारिज कर देती हूँ, क्योंकि वो मैंने गंभीरता पूर्वक नहीं लिखा था, बिल्कुल नहीं लिखा था। आपको पता है कि नहीं, मैं आज भी लिखती थी वाराणसी के साप्ताहिक आज में, मैंने बहुत लिखा है। और क्यों लिखा, क्योंकि बचपन में लिखना शुरू हुआ ऐसे ही, पिता नहीं रहे थे, उदास थी या जो भी था, तो एक पहली बार एक कविता अंदर रचती चली जा रही है, एक कविता अंदर रचती चली जा रही है। और बड़ा याद अच्छा, है क्या आपको? जी हाँ, उन्हें कई बार सुना दिया, आपको नहीं सुनाऊंगी। अच्छा सुना देती हूँ, 8 वर्षीय लड़की की कविता की एक 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 संध्या सुना देती हूँ। बांसुरी सुनाई है और लोगों को भी, लेकिन आपके ऑडियंस दूसरे होंगे, कि वो बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके गोपियां किस तरह बेसुध होकर अपने अपने घर से दौड़ती हैं, जाती हैं सुनने। तो उसकी, उसका एक 4 पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां वो याद हैं, यदि मार्ग में कोई रोक सके तो प्राण उठा रख देती हैं, प्राणों की बलि रख कर फिर भी आना वे नहीं भूलती हैं। ये पहली कविता थी, 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। उसके बाद यहाँ वहां कुछ कुछ खचा देती थी, फिर बाद में आज में देखा थोड़ी बड़ी हुई किशोर किशोरावस्था में, कि आज में बाल संसद में कुछ लोग भेज रहे हैं, तो मैंने अपनी कुछ लिखी हुई कविताएं भेजी, आज में छप गई तो अच्छा लगा। और शायद, अगर मुझे पता नहीं, आप वाराणसी को थोड़ा बहुत जानते हो, तो उस समय बेढप बनारसी हिंदी हास्य व्यंग्य के पुरोधा और भैया जी बनारसी, उनसे काफी छोटे, वो इस आज के साहित्य परिशिष्ट के संपादक थे और वही बाल संसद भी देखते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरा पता देखा और मुझे कहा कि तुम तो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हो, तो मेरे घर आया करो। उनको पता चल गया कि पितृहीन लड़की है, बच्ची है, और इस ये मतलब टिकट के भी पैसे ना लगाने पड़े मुझे लिफाफे में, तो मेरे पास, मेरे घर आ जाया करो और वहां से किताबें ले जाया करो। तो मैं उनके पास जाकर खूब किताबें लाई, उन्होंने कहा मेरी कविताएं आज में पहले बाल संसद में छापी, उसके बाद उन्होंने वयस्क प्रश्नों पर, इंटरमीडिएट से ही मुझे आज के वयस्क पृष्ठों पर प्रकाशित करने लगे। तो आज भी लोग पूछते हैं कि आप वही सूर्य बाला हैं जो आज में बहुत साल पहले लिखा करती थी। इसके बाद मैंने 3-4 वर्षों तक आज में लिखा, लेकिन जयप्रकाश जी, कहीं मेरे अंदर ये नहीं था कि कोई लेखिका बनना क्या होता है, या लेखिका बनूंगी, या यश प्रसिद्धि, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जैसे सारी लड़कियों का है, शोध कार्य पूरा किया, शोध कार्य में मेरे वो गुरु थे डॉक्टर बच्चन सिंह, शोध कार्य पूरा करा और विवाह हो गया, 3 बच्चे हो गए। इस बीच में लिखना पढ़ना पूरी तरह भूल गई, मतलब यहाँ वहां खिंचा दे रही हूँ, लेकिन कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा लिखना छूट गया, या मैं लिखती थी, या मैं आज में छपती थी, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं। और उस समय जब मैं अलीगढ़ में, मेरे पति इसमें थे ग्लैक्सो लेबोरेटरीज में, और ग्लैक्सो के पहले वो शिपिंग में थे, मर्चेंट नेवी में, तो मर्चेंट नेवी का मतलब है लगातार जहाज पर, पानी के जहाज पर, और मैंने उनके साथ जल यात्राएं की, आधी दुनिया में उस समय घूम चुकी थी, आधी दुनिया में पानी के जहाज पर अपने पति के साथ देख चुकी थी। तो मेरे लिए अमेरिका देखना या कोई बात नहीं थी। पानी के जहाज वाले जीवन पे कुछ क्यों नहीं लिखा आपने, उस पे कथानक क्यों नहीं बुना?
लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है, यामिनी कथा पढ़िए मेरी, ये उपन्यास है यामिनी कथा। अच्छा। ये विश्वविद्यालय के कोर्स में भी था, एमए के सिलेबस पाठ्यक्रम में भी था जी, रखा गया, और इस पर बहुत अच्छी समीक्षा की थी डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवडेकर जी ने। तो उसने ही लिखा, लेकिन मेरी ये आदत है कि लिखती हूँ, छोड़ के फिर निवृत्त हो, दूर कुछ और, कुछ अलग, कुछ नया, तो क्योंकि मैं ठहरती नहीं हूँ। कईयों ने मुझसे कहा, उस समय स्त्री विमर्श शुरू हो रहा था, अरे यामिनी कथा में तो स्त्री विमर्श की बहुत गुंजाइश थी, आपने इसमें और स्त्री विमर्श क्यों किया, क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे स्त्री विमर्श के लिए मैं नहीं लिख रही थी, मैं एक कहानी थी मेरे पास, एक स्त्री थी, स्त्री की संवेदनाएं थी, उसकी अनन्य भूमिकाएं थी, इसलिए मैंने लिखा। जहां मेरी संवेदनाएं और खत्म हुई, मैंने वहां पर उपन्यास समाप्त कर दिया। मुझे अलग से स्त्री विमर्श का फॉर्मूला नहीं लाना था। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि एक तरफ इतने संवेदनशील पात्रों के साथ इतने मानवीय विषयों पर लेखन, और दूसरी तरफ एकदम विपरीत व्यंग विधा, और व्यंग विधा का कटाक्ष, दोनों का तारतम्य कैसे बना? आपने व्यंग कब लिखना शुरू किया, कि कब उस दिशा में घुस गए आप? ठीक है, आज वाला तो मैं समझ पा रहा हूँ कि चलिए आपने वहां लेखन शुरू किया, आप लिखती रही होंगी ज्वलंत विषयों पे, कथा कहानी कविता, चलिए ये व्यंग की तरफ आपकी रुझान कैसे हो? दोनों एकदम विपरीत है, मतलब जो आपके उपन्यास जिन लोगों ने पढ़े होंगे उनको पता होगा आपकी कहानियां बहुत मानवीय हैं, जरूरत से ज्यादा संवेदनाएं हैं उसमें, उनमें करुणा का जो स्तर है, प्रेम का जो स्तर है, वो बहुत अलग है, व्यंग एकदम अलग चीज है। मेरी प्रकृति में मैंने जानबूझकर, फिर से जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब आप कहानी लेखन में इतनी प्रतिष्ठित हो चुकी थी तो आपको व्यंग लेखन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आवश्यकता महसूस करके हम नहीं लिखते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, विधा हमें चुनती है, व्यंग्य ने मुझे चुना। मैं प्रारंभ से जितनी अंतर्मुखी रही हूँ उतनी ही बहिर्मुखी भी रही हूँ, हास्य व्यंग्य और नोक झोंक, व्यंग्य विनोद और कटाक्ष, और जो कहते हैं ना, ये सब मेरे खून में है, क्योंकि मेरे परिवार में बचपन में मैंने देखा। मैंने अपना एक व्यंग्य संग्रह याद है, वो मैंने अपनी मौसी को समर्पित किया है, और लिखा है मौसी को, ये बड़ी अम्मा को, जिन्होंने व्यंग्य जिया। तो वो एक ऐसी स्त्री थी, व्यंग्य बहुत मानवीय, बहुत करुण, बहुत गंभीर होता है, वो हमारी, हमने ऐसी स्त्रियां देखी हैं, स्त्री के जीवन में जितना व्यंग्य होता है उतना व्यंग्य तो कहीं नहीं होता, स्त्री का पूरा जीवन व्यंग्य है। और हाँ, हास्य भी, मैं हास्य और व्यंग्य को बहुत अलग अलग करके नहीं देखती हूँ, और मैं मानती हूँ इस बात को कि हास्य व्यंग्य का सारथी है, हास्य व्यंग्य की नक्काशी है, दाल में नमक के बराबर हास्य और शिष्ट हास्य, वो अगर व्यंग्य के साथ जुड़ता है तो व्यंग्य ज्यादा पठनीय, ज्यादा संप्रेषणीय, ज्यादा क्रिस्प हो जाता है। शायद इसीलिए मेरे व्यंग्य में आपको हमेशा ऊपर ऊपर सतह पर हास्य दिखाई पड़ता है। आज का जो लेखन है, आज के जो लेखक हैं, और आज जो हिंदी साहित्य की स्थिति है और हिंदी भाषा की स्थिति है, उसे आप किस रूप में देख पा रहे हैं? आज का लेखन जहां तक मैं देखती हूँ, देखिए, हर युग में, हर समय में, हर दशक में कई तरह का लेखन होता रहता है, बहुत सामान्य लेखन भी होता है, मध्यम स्तर का भी होता है, और बहुत अच्छा भी होता है। और ये भी मैं मानती हूँ कि ऐसा भी होता है कि सो कॉल्ड बहुत नामी
रचनाकार भी, नामी रचनाकार भी, बड़े रचनाकार भी, कुछ सामान्य भी लिखते हैं और कुछ बहुत अच्छा लिख जाते हैं। तो उस दृष्टि से देखिए तो आज की जो भाषा है, देखिए भाषा भी, जहां तक भाषा बदल रही है उससे मुझे शिकायत नहीं है। स्वयं मेरी कहानियों में लोग कहते हैं कि मेरी बहुत सी कहानियों में खूब इंग्लिश मिलेगी आपको, बहुत जहां पर जिस जो पात्र आजकल जो भाषा बोल रहे हैं अंग्रेजी मिश्रित, वो भाषा आप नहीं लिखेंगे तो वो चरित्र विश्वसनीय होगा ही नहीं, तो आपको वो भाषा देनी है। लेकिन जहां पे आप फॉर्मूला भाषा दे रहे हैं, जहां पर आप प्रयोग करने के लिए भाषा ला रहे हैं, जैसे आपने भी पूछा था मुझसे कि आप कहानियां कैसे गढ़ती हैं, तो मैं आपसे बीच में कहने वाली थी कि कहानियां गढ़ती हूं ही नहीं, कहानियां स्वयं अपने आप इस तरह गढ़ लेती चली जाती है कि मैं भौचक देखती रह जाती हूं कि ये पात्र कहां से कहां चला जा रहा है, ये मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, ये पात्र क्यों ऐसे चला जा रहा है। तो वही चीज आज की भाषा के लिए मैं कहूंगी कि जहां देखिए हम समझ जाते हैं कि यहां पर लेखक चर्चित होने के लिए, आप बड़ा क्षमा करिएगा सतही शब्द हमने इस्तेमाल किया, कि गढ़ रहा है भाषा को, गढ़ने की कोशिश कर रहा है, यही चीज व्यंग्य में हो रही है, यही चीज हास्य में हो रही है, यही चीज कहानी हो, और लग रहा है कि समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ जो कहते हैं ना, मतलब बहुत ही आगे, समय से बहुत आगे का, ऐसे ऐसे बेस्ट सेलर आ रहे हैं, उनको देखकर दुख होता है, उनको देखकर हंसा जाए कि रोया जाए, और लगा जाता है कि यार रातों रात हम किसी तरह से, और उस पर भी इतनी की रॉयल्टी मिल गई, अग्रिम रॉयल्टी मिल रही है, शोर मच गया, वो राणा प्रताप के घोड़े की उसकी तरह जा शोर मच गया, बच्चों बच्चों तलवार गिरी तलवार गिरी, बेस्ट सेलर उसी तरह गिर रहे हैं। लेकिन वो सब चीजें ठहरने वाली नहीं होती, वो सब झोंके में बह जाने वाली होती है, झोंके में बह जाने वाली भाषा है, गढ़ी जाने वाली भाषा है, लेकिन वहीं पर हमारे नए युवा जुट कर लिखने वाले बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन लिख रहे हैं। आपका खुद का सबसे प्रिय पात्र कौन सा है आपके अपने उपन्यासों या कहानियों में, तो किसे चुनेंगे? नहीं, आपको कोई आपके बच्चों के लिए पूछे कि आपका सबसे प्रिय बच्चा कौन सा है, नहीं बता सकते आप, ऐसे कौन सी प्रिय पुस्तक है ये भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पुस्तक के लिए कह सकती हूँ कि कौन देश को वासी में मैंने अपने पूरे जीवन का सब कुछ, सिर्फ विदेश से जुड़ी नहीं है, सिर्फ विदेशी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति की उसको लेकर के बराबर भिड़ंत नहीं है, क्लैशेस नहीं है, उसको लेकर लगातार द्वंद चल रहा है, द्वंद के इतने लोग वो बन गए हैं उसके अंदर, और स्त्री को लेकर, पुरानी स्त्री नई स्त्री, पुरानी स्त्री में क्या था, था कुछ कि नहीं था, था कुछ ग्रहण करने योग्य, नई स्त्री भी ऐसी नहीं है। वहां लोगों ने सबसे ज्यादा मुझे जिन जो इस उपन्यास को पढ़कर बहुत ज्यादा विभोर हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैडम सबसे अच्छा यही लगा है कि आप जजमेंटल नहीं हुई, आप जितना नई पीढ़ी के साथ खड़ी हैं उतना ही पुरानी पीढ़ी के साथ, किसी मेरी आपकी आपकी पीढ़ी की किसी लेखिका के लिए आज की पीढ़ी के किसी युवक के या किसी युवती के पक्ष में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत ही तटस्थ निरपेक्ष होकर दिया है, तो इसलिए मेरे संधि पत्र की जो तीन अलग अलग महिलाएं हैं, हालांकि आज की बहुत साल पहले, मतलब कई दशक पहले लिखा गया वो उपन्यास है, पहला उपन्यास जी 43 साल हो गए, लेकिन उसके जो भाव हैं उसकी जी उसकी तुलना में आज की स्त्री को आप कहां पाती हैं? देखिए वो जो मेरे संधि पत्र है वो जितनी बाहर की कहानी है उतनी ही स्त्री के अंदर की कहानी, और स्त्री संवेदना तो नहीं बदलती है,
जब मैं कहती हूँ बराबर जब स्त्री विमर्श की बात होती है कि स्त्री इतनी भरी नहीं है, स्त्री इससे बहुत ज्यादा है। स्त्री के स्वप्न, स्त्री की आकांक्षाएं, स्त्री की का मन, स्त्री की वो सब कुछ उसमें एक बहुत ही संवेदनशील स्त्री के मनस मानसिक प्रकोष्ठों का, उसके मन की दुनिया की रचना है मेरे संधि पत्र। और वो मेरी स्त्री, और दूसरी बात वो मेरी, आप कहेंगे कि मेरी स्त्री है तो मेरी, वो तो करेगी मेरी सोच का प्रतिनिधित्व। आज अगर वो उपन्यास लिखा जाता, ये लोग मुझसे पूछते और मैं लिखती, हो सकता है कि मैं शिवा का विवाह रत्नेश से करा देती। मैं नहीं कराती, शिवा कर लेती, रत्नेश से कर लेती। आप देखेंगे ये तो मैंने कर दिया है, यामिनी कथा में यही है। यामिनी देखिए, मेरे संधि पत्र लिखने के करीब 15-20 वर्ष बाद मैंने यामिनी कथा लिखी। तो यामिनी कथा में जो यामिनी है वो मेरे संधि पत्र की शिवा से अलग है। वो मतलब मेरे यामिनी कथा को लोगों ने आपका बंटी, मन्नु भंडारी के आपका बंटी की अगली कड़ी कहा है, क्योंकि यामिनी कथा में 14 वर्ष का, अपने 14 वर्ष के बेटे से पूछकर यामिनी दूसरा विवाह करती है, विधवा रहती है। वो अपने 14 वर्ष के बच्चे से पूछ करके निखिल अंकल से, जो आते रहते घर में, निखिल से, और प्रेम विवाह नहीं करती है, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से विवाह करती है। ये मैं मेरे संधि पत्र में नहीं कर पाई, शिवा के साथ नहीं कर पाई। और ऐसे भी शायद आज भी मैं लिखती जी। तो शिवा, शिवा की चरित्र के साथ मैं, इससे बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई रात भर हम सो नहीं पाए, शिवा के लिए कुछ करिए। तो मैंने कहा कि आप बताइए क्या करूं। तो किसी ने कहा ऐसा करिए, ये रत्नेश से साथ विवाह करके चली जाए। किसी ने मुझे शिकायत की, आपने शिवा को सिर्फ देने के लिए ही क्यों बनाया, आपकी स्त्री सिर्फ देती, शिवा सिर्फ देती ही चली जाती। आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगी मेरे संधि पत्र की, जो उस समय उठी थी और आज भी उठ रही हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैडम शिवा तो सिर्फ देती ही चली जाती है और समझौता करती चली जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि समझौता करना और देना ये साधारण बात नहीं है। जिस स्त्री, जो सचमुच में समर्थ स्त्री होती है वही ये कर पाती है। और अब लोग कहते हैं कि आपको शिवा की तरह आदमकद चरित्र, स्त्री चरित्र ऐसे आपको कहाँ मिले। तो ये किसी स्त्री, हमारे चरित्र के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब शिवा को लोग प्रणाम करते। एक ने मुझे पत्र लिखा जयप्रकाश जी, कि शिवा कभी मिले तो आप उसे मेरा प्रणाम दीजिएगा। तो ये जो शिवा है ये एक संवेदनशील स्त्री के मन का संसार। आपने क्या सोचा? वाकई शिवा का किरदार ऐसा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में क्या ऐसी शिवा वाकई है? मुझे लगता है बिल्कुल है। मैंने देखा है शिवा में क्या है। देखिए इतनी कुछ आदर्शवादी की बात नहीं है। क्या करना है, शिवा एक बहुत ही सामान्य, बहुत सामान्य, ऑलमोस्ट निर्धन परिवार से आती है। ये परिवार उसको हाथों हाथ लेता है, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं, उसे सम्मान से रखता है। सेठानी माँ से लेकर बच्चे तक, बच्चियां उसको बहुत प्यार करती हैं। शिवा को इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है। शिवा के साथ सिर्फ एक विडंबना है, उसका पति उसके समान संवेदनशील नहीं है, एक बड़ी सामान्य बुद्धि का, लेकिन पत्नी को प्यार करता है। एक मतलब जो कहते हैं किसी तरह से शोषक पति नहीं है वो। तो शिवा विद्रोह किससे करे, और शिवा इस परिवार के प्रति कृतज्ञ है, बहुत कृतज्ञ है। और सबसे बड़ा एसेट शिवा का है
उसकी दोनों सौतेली बेटियां। भारती जी को ये उपन्यास इतना पसंद आया था, आपको पता है कि नहीं, भारती जी ने जिस तरह, मैं 2.5 वर्ष की लेखिका थी, मुझे लिखते हुए सिर्फ 2.5 वर्ष हुए थे और मैं ये उपन्यास लिख डाला था मैंने। और ये उपन्यास उस समय पति का स्थानांतरण हो गया था बॉम्बे, तो बॉम्बे आई और सोचा कि बॉम्बे में, बम्बई में हूँ तो धर्मी और सारिका में इतनी छपी हूँ, तो एक प्रति कमलेश्वर जी को, एक प्रति भारती जी को, भारती जी से पहले मनमोहन सरल जी को। सरल जी ने देखा, बहुत पसंद आया, बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगा है लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर साहब देंगे, आप जाइए मिलिए। मैं कहा मैं नहीं जाती, भारती जी से मैं मिलूं? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी मिलकर। फिर भारती जी ने स्वयं बुलवाया और उन्होंने कहा यही था कि मुझे उपन्यास बहुत अच्छा लगा, आपने जो स्त्री चरित्र रचा है और सौतेली बेटियों के और उसके चरित्र के साथ जो आपने संबंध दिखाए हैं, तो बहुत अभी तक पाठक इस उपन्यास के लिए मुझे पत्र लिखते हैं, ईमेल करते हैं। और आपको शायद पता ही हो कि पाखी पत्रिका ने अभी 1.5-2 वर्ष पूर्व इसको कालजयी उपन्यास का पुनर्पाठ, इसमें इसको सबसे पहले, पहला इसी से शुरुआत की। तो ये मेरे पाठकों की वो है। और समीक्षक तो स्त्री विमर्श ही ढूंढते रह जाते हैं। मुझसे ये बहुत पूछा जाता है, एक बार किसी ने कहा था कि आपने उस समय में प्रेम कहानियां कैसे लिखी, जबकि वो था ना यथार्थवादी और जमीनी और आ कहानी, तो उस समय में आपने प्रेम कहानियां लिखने का साहस कैसे किया? ऐसे ही किसको, क्योंकि लोग तो ट्रेंड देख के लिखते हैं ना, बाजार देख के लिखते हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा बहुत ही, क्योंकि बहुत ही संजीदी और गंभीर किस्म की प्रेम का, उनको प्रेम कहानियां मैं कहती भी नहीं हूँ, वो अलग तरह के एहसासों की कहानियां हैं, पीले फूलों वाली फ्रॉक, बेजरी के फूल, बिन रोई लड़की। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, तो अब सब वो पहले वो मूड और वो प्रवाह जो था ना प्रवाह, तो देखिए जीवन में और आपके लेखन में प्रवाह लगातार जारी है। मैं और आपसे और आपकी सक्रियता अभी भी चौंकाती है, आप इतने समय से बात कर रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में प्रेम किस तरह से आया और फिर वो कहानियों में किस रूप में ढला। प्रेम को तो मैं बहुत ही व्यापक रूप में देखती हूँ और मैं आपका आशय भी मैं समझ रही हूँ, वो एक आयोजन्य प्रेम से आपका और एक किशोर वय का जो प्रेम होता है, और जब पहली अनुभूति किसी भी किशोरी या लड़की के मन में होती है। तो आपको मैंने अभी अपने संघर्षों की बात नहीं बताई, वो मेरा जिस उम्र में, जिस आयु में लड़कियाँ ये सब भावनाएं उठती हैं, वो मेरे चरम संघर्षों का दिन था। बहुत ज़्यादा, सिर्फ अकेली माँ कोई नहीं, तो उस समय प्रेम के विषय में क्या सोचा नहीं जाता है, मैं सोचना भी नहीं, लगातार माँ के संघर्षों के बारे में सोचती थी। लेकिन ये मैं मानूंगी कि उम्र और आयु की एक जो ज़रूरतें होती हैं वो मैंने भी महसूस किया, और ये मुझे थोड़ा संकोच भी लग रहा है कहने में कि चूंकि मैं अपने विद्यालय की बहुत ही मेधावी छात्राओं में मानी जाती थी, और 6वीं से लेकर जब से विद्यालय में नाम दिखाया था तब से 12वीं तक कभी द्वितीय श्रेणी नहीं आई, प्रथम श्रेणी ही आई। और उसका कारण ये था कि मैं सोचती थी कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या हमारी फ्रीशिप रहेगी तो माँ की मदद होगी, कहानियाँ आज में छपेंगी तो माँ को पारिश्रमिक मिलेगा। तो उस समय मैं, मुझे पता भी नहीं था कि उस समय के कितने छात्रों की, कितने लड़कों के, कि मैं जो कहते हैं ना, एक वो बन गई थी, मॉडल सी बन गई थी। और अक्सर मेरी सहेलियां मुझसे कहती थी कि तुम वो हमारा जो वार्षिकोत्सव हुआ था ना, उसमें तुम रानी भवानी बनी थी ना, उसमें तुम ये बनी थी ना, तो मेरे भाई का मित्र भी आया था तुमको देखने और वो बहुत प्रशंसा कर रहा था। तो हमारी उस उम्र के प्रेम भी बड़े, मतलब
रुमानी और इस किस्म के हुआ करते थे, लड़के ने किसी की प्रशंसा कर दी। एक पहली बार मैं बता रही हूँ आपको कि मेरी गली का ही, जब मेरा विवाह हो गया उसके बाद उसने सुना कि मिन्नी, घर का नाम, कि मिन्नी का विवाह हो गया, तो उसने इतना खूबसूरत वाक्य कहा। मुझसे किसी ने कहा कि वो दिनेश मिला था, तो वो कह रहा था कि अरे मिन्नी की शादी हो गई, मैं उसको दुल्हन बनी देखना चाहता था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, किसी लड़के का किसी लड़की के लिए कहना कि मैं उसको दुल्हन बनी देखना चाहता था। ये वाक्य और ये प्रसंग अनायास मेरी एक कहानी में आया है, जिसे लोग बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, और उस कहानी का नाम है मानसी। तो उस अवस्था में ऐसा था कि कई बार और ये होता था कि, और फिर चूंकि मैं ऐसी, मतलब पिता नहीं थे तो हर कोई जो रिश्ते की भाभी हैं वो अपने भाई से, जो जीजी हैं वो अपने देवर से, जो घर में किराएदार रखे हैं वो अपने किसी से, तो चारों तरफ ये लोग इस तरह से मेरा विवाह और फलाने सुना। फिर आज मैं प्रकाशित होती थी, आज भी मेरी कहानियां और ये कविताएं प्रकाशित होती थी, तो उसको लेकर के भी बहुत लोग जान गए थे। तो इसलिए मेरी माँ उन अभावों में भी बहुत गर्व का अनुभव करती थी कि मेरी बेटी के लिए इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो ये उस समय का, लेकिन वो बड़ा आकर्षण साथ था, एक अनुभूति सी थी, एक जो अंदर की कहते ना एक रोमांच सा था। और जैसे लगकर प्रेम करते हैं, उसके विषय में ये भी मैं बता दूं कि जिस उम्र में हमारी पीढ़ी में भी लड़कियां शर्माती लजाती प्रेम किया करती थी, झांकती झुकती, मुझे शुरू से उन सबसे कुछ अजीब किस्म की खींचती थी। और ये मैंने अपनी एक कहानी में बताऊं, एक कहानी में लिखा है, प्रेम कहानी में, और उस वो किस तरह कहानियों में आया चूंकि आपने पूछा, तो उसमें एक कहानी है, क्या मालूम। सोचिए, प्रेम कहानी का शीर्षक है क्या मालूम, और वो छोटी बच्ची किशोरी लगातार अपनी दूसरी गली के लड़के के बारे में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं उसके पिता, कक्षा में प्रथम आए हैं ये, इनसे आरती करवाइए। और ये लड़की भी गई हुई है और ये सोच रही है, अच्छा तुम प्रथम आए हो, मैं प्रथम आते आते रह गई थोड़ी सी, अच्छा तुम अच्छे लड़के हो, मैं भी एक अच्छी लड़की हूँ। तो अच्छे लड़के अच्छी लड़की का पहला वो ये है कि हम आंख उठाकर किसी लड़के की तरफ ना देखें, और लड़का आंख उठाकर किसी लड़की की तरफ ना देखे। सिर्फ इस चीज को लेकर के मैंने एक बड़ी नाजुक सी कोमल सी प्रेम कहानी बुनी है, क्या मालूम। और अंत में वो लड़की दादी हो जाती है, उसकी हवेली बिकने को होती है, और जब उसके बेटे बहू जाते हैं तो आके कहते हैं कि हमें एक बड़ा अच्छा खरीदार मिल गया है मम्मी, वो हमारे कहने से जितना हमने कहा उतना इस हवेली के लिए देने के लिए तैयार हो गए। तो इतने वर्षों तक वो प्रेम पलता रहा और अंत में वो व्यक्ति वो हवेली खरीद लेता है। तो हम मेरे प्रेम कहानियां इस तरह की। नहीं, अभी आप जब हम लोग प्रेम की बात कर रहे थे, आपके प्रेम कहानियों की बात कर रहे थे जी। तब आपने अपने बचपन के कुछ संघर्षों का जिक्र किया था। सामान्य तौर पर आपके बारे में जो चीजें हम पढ़ते हैं उनमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर सूर्यवाला एक अच्छे विश्वविद्यालय की छात्रा रही, अध्यापन का कार्य किया, इसके अलावा दूरदर्शन पे कहानियां आई, धारावाहिक आए, बच्चा विदेश में रहता है, विदेश भी गई, पति जो है इतने प्रॉस्परस नौकरियों में थे। तो आपको कोई एक भरा पूर्वा समृद्ध परिवार है, कहीं आपके जीवन में कोई संघर्ष जैसा नहीं, तो मैं उसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं कि आपका बचपन किस तरह के संघर्षों में बीता, और उस समय उस जमाने में उस संघर्ष को से जूझते हुए आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कैसे इस तरह से बनाई, और बाद में जो आपके आपकी बात से लगा कि आप परिवार में बड़ी थी, तो अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए, मातृकुल के बारे में और पितृकुल के बारे में, पितृ आपसे छोटों पे उस
इसका क्या प्रभाव था और बड़ों में किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है जयप्रकाश जी। तो मातृकुल में तो मैंने बताया कि पहले तो बहुत अच्छा था, पिता थे, फिर पिता की असमय मृत्यु हो गई और हम चार छोटी छोटी बड़ी छोटी लड़कियां, जो मैंने पहले बताया आपको कि पिता थे, तब तो सब हम राजकुमारियों की तरह और शहजादियों की तरह और खूब प्रशंसा प्रोत्साहन, लेकिन जब पिता नहीं रहे तो हम खुले आसमान के नीचे थे और कोई चाचा मामा नाना ऐसा कोई भी कोई निकट संबंधी नहीं। वो मेरी माँ कभी घर के बाहर नहीं निकली थी, पिता उनको बड़ी सुरक्षा में रखते थे, बड़ी प्यार भरी। तो हमने जीवन में बड़ी हार्मनी देखी, जो लोग सब इसलिए हमारे इसीलिए मेरी रचनाओं में आक्रामकता विद्रोह वो नहीं है। हमने जिस तरह जीवन जिया, सत्य के जो प्रयोग हमने किए, जीवन के जो प्रयोग हमने किए, वो इतने सफल इतने सार्थक रहे कि हमने एक बहुत बड़े कुटुंब उसे बनता चला गया, एक छतनार वृक्ष की तरह। अभी भी कुटुंब और रिश्ते मेरी प्राथमिकता है। तो संघर्ष इस तरह चला कि पिता जब नहीं रहे तो धीरे 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 धीरे, और कोई साधन नहीं, आय का कोई साधन नहीं, कोई भी साधन नहीं, पासबुकें थी जो मैंने कहा जो खाली होती गई। फिर हमने घरों में किराएदार, जिस घर में मेरे पिता इतने सुरुचि संपन्न थे, ये राजा रवि वर्मा की पीतल के बड़े बड़े वो गमले और फव्वारे और आंगन में और नल दमयंती और सब ऐसे, कभी हमारे घर में कोई सस्ता कैलेंडर या कोई अच्छी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। वो उस जमाने उस घर में उस मैं अपने घर को ब्राइडल केक की वो कहती हूँ, सफ़ेद जालियों से बना, मेरे पिता ने बनवाया था, वो सब एक दिन में समाप्त हो गया। सरकारी नौकरी की सारी दरियाँ और सारे वो समेटे जाने लगे, सब कुछ चला गया, अकेली माँ हम चार बहन, उसमें फिर कैसे चला और चार बेटियों को माँ ने कैसे पढ़ाया, वो एक बहुत लंबी कहानी है। और एक घटना आपको बताऊंगी, मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में तो जो किया ही, क्लास में बड़ी क्लास की लड़कियों से पुरानी किताबें हम ले लिया करते थे, और एक दिन अभी भी मुझे याद है कि नागरिक शास्त्र की किताब टीचर ने कहा था कि सब लड़कियों को लेकर लाना है, और मेरी माँ से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि कैसे, माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कैसे कहूँ। लेकिन शहर में नगर में हर कोई हमें संपन्न और समृद्ध ही समझता रहा, तो हमने पूरा जीवन समृद्धि और संपन्नता का नाटक किया, हम अभिनय करते रहे कि माँ को था कि दूसरों की नजर में हम अभावग्रस्त और दीनहीन निरीह नहीं साबित होने चाहिए, ये कहा नहीं माँ ने, देखा। तो मुझे अभी तक याद है कि नागरिक शास्त्र की किताब टीचर ने कहा कि अगले सोमवार सब लड़कियों के पास होनी चाहिए, बहुत कोशिश की किसी पुरानी छात्रा से मिल जाए, नहीं मिल पाई, बहुत दुखी थी। तो मेरी क्लास में दो लड़कियां पढ़ती थी, बहनें थी, उन्होंने कहा कि सूर्यबाला क्यों परेशान होती हो, हम दोनों के पास दो किताबें हैं ना, तो एक हम दोनों एक किताब लेके बैठ जाएंगे और एक किताब तुम लेके बैठ जाना। सिस्टर को कुछ समझ में नहीं आएगा, अंदर से बहुत खला क्योंकि मेरे संस्कार बहुत गहरे थे, लेकिन मैंने कहा ठीक है, लेके बैठ गई। आई लगातार मन धड़धड़ा रहा था, मैं सोच रही थी कि भक्ति टीचर भक्ति दी ये ना पूछे, भक्ति दी किताबों वाली बात भूल गई हूँ, ना पूछे मुझे, झूठ ना बोलना पड़े। लेकिन भक्ति दी क्लास में आई और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी और पीछे तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी, तो अगली बेंच पर छोटी लड़कियाँ बैठती थी, मैं अगली बेंच पर बैठती थी, बड़ी लड़कियाँ पिछली बेंच पर, पूछते पूछते अगली बेंच पर आती जा रही है और मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है। फिर मेरी लाइन आई पहली, तुम्हारा तुम्हारी, और जब मेरी उस सहेली के उसमें आई, अच्छा तुम दोनों की तो एक ही है ना, इतना कह के उसके बाद मैं बैठी थी। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, मेरी उस सहेली की बड़ी बहन ने जोर से क्लास में कहा, नहीं टीचर ये झूठ बोल रही है मेरी बहन, उस हम दोनों के पास दो किताबें हैं, उसने अपनी किताब सूर्यबाला को दे दी। वो क्षण अभी तक मेरे अंदर वैसा ही है। लेकिन आप ये सुनिए, टीचर ने जैसे ही सुना, वो एकदम जैसे एक मिनट कुछ अवाक रहेगी, तुरंत उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं,
लड़कियों, सूर्यबाला तो इतनी अच्छी लड़की है, हमेशा क्लास में वो करती है, तो वो अगर एक दिन किताब नहीं ला पाई तो उसको तो हम लोग छोड़ सकते हैं ना। लड़कियों पूरी क्लास ने कहा जी सिस्टर, पूरी क्लास ने कह दिया, लेकिन मैं वो शर्मिंदगी आज तक नहीं भूली। और दूसरी मैं आपको बताती हूँ, तो जब मैं पीएचडी कर रही थी, हाँ बताइए, ये मैं बहुत जरूरी चीजें आपको बता रही हूँ कि मेरे संस्कार कैसे बने, कि उस समय 40 रुपए की छात्रवृत्ति शोध छात्रा को मिल जाए तो बड़ी बात है, मेरे ऊपर 40 रुपए की भी नहीं हुई, क्योंकि वो हमारे जो थे वो उस समय अनुपस्थित हो गए थे जब आयवा की मीटिंग थी, तो नहीं हुई, कोई बात नहीं है। माँ ने कहा ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और पुरुषार्थ दोनों के अपने अपने खेल चलते हैं, चलने दो। लेकिन 2 महीने बाद मेरे गाइड डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, सुनो तुमने कहीं कोशिश की थी क्या? मैंने कहा नहीं सर। तुम किसी को जानती हो क्या बीएचयू में? मैंने कहा नहीं सर। बोले किसी को मत बताना, किसी को अभी, तुम्हारे नाम 100 रुपए की स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई। 40 रुपए की नहीं मिली थी, जिसने कहा था उसने नहीं दिलाई थी, और 100 रुपए की जब किसी ने कोई जोर नहीं लगाया था तब मिल गई थी। लेकिन मिलने के बाद भी जो मेरे विभागाध्यक्ष थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस छात्र को वो चाहते थे उसको क्यों नहीं दी गई स्कॉलरशिप? तो स्कॉलरशिप की ग्रांट मेरे पास आके रखी है, ये मैं अपना संघर्ष आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे स्वयं विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो मैंने वो लिया हाथ में वो जो ग्रांट का कागज, और अभी भी मुझे याद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आपने वो पूछी थी ना स्मृति, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वो स्मृति मुझे नहीं भूलती है, चिलचिलाती धूप और लू में, तेज धूप में गुलमोहर खिले हुए थे चारों तरफ, और उस धूप में मई जून के महीने में मैं पैदल लगातार आंखों के आंसू पोंछती हुई मैं हेड ऑफिस सेंटर ऑफिस गई रजिस्ट्रार के पास। मैंने कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ सर? उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये कागज आप रख लीजिए। वो देखते लगे, मैंने कहा कि मेरे विभागाध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे और मैं नहीं ले जाऊंगी अब दोबारा, मुझे नहीं चाहिए स्कॉलरशिप। उन्होंने मुझे समझाया, बीएचयू के रजिस्ट्रार, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों आपको परेशान कर रहे हैं, वो उनके छात्र को भी हम लोग स्कॉलरशिप ग्रांट कर रहे हैं। तो ये उस समय का मेरा संघर्ष था। और उसके बाद जब वो पहली बार के 750 रुपए मेरे हाथ में आए हैं, तो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में वो मेरे छोटे से पर्स में वो पैसे समा नहीं रहे थे, और इसलिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत वही थी, ये मैं आपको बताई। और इसके पीछे जानते हैं आप क्या थे? हमारे संस्कार, मैं बहुत महत्व देती हूँ बचपन के संस्कारों को। बचपन से हमें बताया गया था जो ताको कांटा बुए ताई बोए तू फू, बचपन से सिखाया गया। लक्ष्मण कह रहे हैं विश्वामित्र से, अपने मुंह मुनि आपन करनी भांति अनेक भांति तुम, अपने मुंह मुनि आपन करनी भांति अनेक बार तुम बरनी, तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई बेटा कभी नहीं करते हैं। वो दिन और आज का दिन मैं अपनी रचनाएं, अपनी कहानियां, अपनी पुस्तकें भी किसी के पास देने में या कहने में, कि लोग अपनी गजल सुनाते हैं ना कि मुलाजा फरमाइए, तो मुझे उसमें भी संकोच लगता है कि कैसे अपनी चीजों को कहा जाए कि हमारा ये बड़ा अच्छा है, नहीं कह सकते। तो मैं कहती हूँ कि मेरे बचपन के आदर्श वाक्यों ने मुझे तबाह कर दिया, उसको ही लेकर चली अभी तक। अमेरिका के कुछ अनुभव हैं आपके पास? अमेरिका के तो पूरे अनुभव आ गए ना, कौन देश को आसी कहानी और सारे अनुभव बेनू की डायरी में। जी हाँ जी हाँ, वो इस तरह आए आपको बताएं कि सबसे समृद्ध
संसार का सबसे समृद्ध देश रिश्तों के मामले में कितना विपन्न है। कहीं किसी से आप कोई पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल प्रश्न मत पूछिए, आपके कितने बच्चे हैं या आपके कितने भाई बहन हैं, कोई पर्सनल प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके सगे भाई बहन माता पिता साथ साथ रहते हैं, नहीं रहते, या वो स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर, क्वार्टर ब्रदर तक हो रहा है, क्योंकि माँ कभी भी बच्चे के पूरे, ऐसे ऐसे परिवार आपको 30-35% ही मिलेंगे जहाँ की अपने माता पिता 30 नहीं, उतने भी नहीं मिलेंगे, और अपने सगे बच्चों के साथ एक बच्चा उनका है, दो बच्चे इनके हैं, और अपने यहाँ भी यही चल रहा है। तो अत्याधुनिक जीवन शैली और सभ्यता, जिसके लिए मैंने लिखा है कि सभ्यताएं यहाँ पर शर्मिंदा खड़ी हैं, ये जो है हमें कहाँ ले जा रही हैं, हमारे सारे रिश्तों को छिन्न भिन्न करके छितर बितर कर दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो आप कहते हैं वहाँ के अनुभव, वहाँ के अनुभव ये थे कि पहले तो बेटा पहले ही कह देता था किसी से पर्सनल क्वेश्चन मत करना कि आपके बच्चे कितने हैं, आपका किसी बारे में नहीं, कौन कैसे रह रहा है। जी, भारत भी आज आधुनिकता का बहुत असर है, और पूरी दुनिया में जो महिलाओं की स्थिति है अभी, उस पर आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि ये हालात बदलेंगे या आधुनिकता ने महिलाओं को विकास की जगह ज्यादा पीछे धकेला है? पीछे तो नहीं धकेला है, लेकिन भटका दिया है, बहुत बुरी तरह भटक गई है, बहुत बुरी तरह। मैं आपको बताती हूँ, दुनिया भर में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और मैं देख कर आ रही हूँ कि भारत की स्त्री कहीं ज्यादा, उसे उसके पास कहीं ज्यादा अधिकार हैं, कानून उसके पक्ष में है। आप एक रिपोर्ट करिए और तुरंत पुलिस आ जाएगी, ससुराल के सारे ससुराल पक्ष को, पति को, और इसका फायदा भी लड़कियां बहुत उठा रही हैं, ये आप मानेंगे, लेकिन वहां पर इस तरह के कानून नहीं है, कोई प्रो वुमेन कानून नहीं है इस तरह का वहां पर। वहां की स्त्री वो स्वतंत्रता पूर्वक लिव इन कर रही है, उसके बाद विवाह कर रही है, उसके बाद दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, वो आ रही है अपनी प्रेगनेंसी का चेकअप कराने। ये बता रही हूँ क्योंकि मेरी बहू डॉक्टर है, वो प्रेगनेंसी का चेकअप कराने आ रही है, उसे कहा जा रहा है कि हाँ तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या, अभी उसी, बट अभी आजकल मैं ये अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब उनको जरा कुछ नहीं। आप सोचिए कि वहां पर पहुंच करके, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सद्य, मतलब उसको बच्चे हुए हैं, और वो कह रही है कि मैं जरा स्मोकिंग जोन में जा सकती हूँ सिगरेट पीने के लिए, और जहाँ आप जा सकती हैं, और बहुत देर बाद जाके देखा गया तो स्मोकिंग जोन में जाने के बहाने वो हॉस्पिटल में अपना नवजात शिशु छोड़कर चली गई थी। तो रिश्तों का इतना ज्यादा जो कहते हैं इतने ध्वस्त पस्त हो गए हैं वहाँ। तो मैंने ये जो लिखा है उपन्यास, इसका मूल ये है कि देख लो दुनिया बहुत छोटी है, हमारे यहाँ भी यही आ रहा है। अगर अमेरिका में भारत बसता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में अमेरिका धीरे आए और ना बसे। हमारी भारतीयता, हमारे वो जीवन मूल्य, हमारे वो जो मानवीय मूल्य हैं, जो रिश्ते हैं, जो हमारी हमारी जो परंपराएं रही हैं, उनमें बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य, उसे हम सहेज कर रखें। तो मुख्य रूप से ये मेरा हो रहा है। मैं आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये जो आपका आखिरी वक्तव्य था, इसी को आपका संदेश मैं मानता हूँ आपके श्रोताओं को, आपके प्रशंसकों को, और साहित्य तक के श्रोताओं और प्रशंसकों को। और मुझे लगता है कि समाज को आप अपनी किताबों से जो संदेश दिए हैं, भारतीयता को जिस रूप में आपने जिंदा रखा है अपनी कहानियों में, भारतीय परिवारों को, उनकी आत्मीयता को, उनके लगाव को, और पूरी दुनिया के परिदृश्य को लेने के बावजूद जिस तरह से आप अपने संघर्ष भरे जीवन के
अपने अनुभवों के साथ अपनी कहानियों अपने उपन्यासों में हिंदी भाषी समाज को ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय समाज को उसकी मानवीयता को रखा है वह सराहनीय है। अगले हफ्ते मैं फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ ही आप सबसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सूर्यवाला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा धन्यवाद।